लग रहा है? आनंद आ रहा है, आनंद खूब आनंद आ रहा है। मस्त गाड़ी है। इसमें लाए भी अगले चक्कर का। इतना रिस्क होता है, इतना रिस्क होता है गाइस, इतना रिस्क होता नीचे से। ये वाली, और इस गाड़ी को आप पहचानते हो, ये है राजा वसीम ब्लॉग। तो फाइनली गाइस हम पहुंच आए वनपू में। गाइस अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूं। जैसे कि आपने पिछला ब्लॉग देखा, मैं चला था जलंधर तक, तो हमें सो गया था। अभी पहुंच गया हम यहाँ पे पठानकोट में। अभी जा रहे हैं, अभी बाज चुके हैं 6:30 और बड्डे का टाइम। अभी फ़ोन आया था बुपारी का 9 बजे का, तो अभी 6:30 यहाँ से 100 किलोमीटर है। आप देखते हैं इतना टाइम लगेगा, 2 घंटे तो लगेंगे मैक्सिमम, 2 घंटे लग जाएंगे। तो आराम से 8:30-9 बजे गाड़ी पहुँच जाएगी। तो अभी यहाँ पे पठानकोट चौक में सब लोग यहाँ से मनाली वाला रोड जाता है वहाँ पे। हम पहुंच गए हीरा नगर, और हीरा नगर यहाँ से आगे सांबा रह गया थोड़ा सा। हीरा नगर पहुंच गए हैं, तो टाइम हो चुका है 7:30 बज चुके हैं, 8:30-9:30। अभी तो बहुत टाइम है हमारे पास, चल रहे हैं हम। 9 बजे 8:30-9 बजे की मंडी है सांबा पुल के ऊपर। यहाँ रुके थे भाई हम 2-4 दिन पिछले, वहाँ से गए थे हम पैदल, वहाँ से घूम के उस फिल्म के उस साइड से आके हम फिर उधर गए थे बाहर, वहाँ पे हमारी गाड़ियाँ थी। ये यहाँ से जाता है भाई साहब रोड, ये जाता है तार रोड उधमपुर पाया, और ये रोड से हम जाएंगे। हम इस रोड से कभी नहीं जाएंगे, कभी कदे ही नहीं जाएंगे। इधर भी फ्लाईओवर बन रहा, क्या बात है, तरक्की कर रही है सरकार। पीछे हट जा काली नागरी। आज के भाई टोल पे सरोर, एक और टोल है सरोर भाई, टोल पे टोल, टोल पे टोल। तो चल रहे हैं, अभी बज गए 8:30, यहाँ से आधा घंटा ही लग जाएगा पहुँच, पूरे 9 बजे पहुँच जाएंगे। पीछे जाम था 10-15 मिनट इस वजह से थोड़ा लेट हो गया वाला खजवानी। और यहाँ पे पिछले चक्कर हमें हुआ था चलान, बड़का 500 का कट के आ गया था हमारे आगे। इस चक्कर चलान नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगा, इधर पक्का नाका है, इस चक्कर बोलूंगा। फाइनली गाइस हम 9 बजे मंडी में पहुंच गए, प्रॉपर 9 बजे, जितने बजे का टाइम दिया था उतने बजे हम मंडी में पहुंच गए। आप खोलेंगे रसद त्रिपाल, तो फिर करेंगे ये अपना काम जो करना है, इन्होंने खाली करनी नहीं। सो फाइनली गाइस हमारी गाड़ी होगी अनलोड, थोड़ी थोड़ी रह गई है ना, आधी से ज़्यादा होगी अनलोड, क्योंकि अभी आते ही इनको डिमांड थी बहुत ज़्यादा, आते ही अनलोड होगी। जा रहा हूँ मैं भी घर, तो ये रह गए अकेले बेचारे। बाय 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 बाय। फाइनली गाइस मैं पहुँच आया था अपने भाई के पास, संजू भाई, जो भाई हमने साथ में गाड़ी चलाई है काफ़ी टाइम, 1-1.5 साल तकरीबन, 2016-17 से हम साथ में चल रहे हैं। क्यों संजू भाई? 2016-17 से हम साथ में चल रहे हैं। तो अपनी गाड़ी है जम्मू में, तो मैं आगे संजू भाई की गाड़ी में अभी पहुंचे हैं हम, कहाँ पे? सरमौली, सरमौली से नीचे हैं। तो चल रहे हैं भाई, ये संजू भाई ने अपनी गाड़ी ली है 12 टायर, इसका रिव्यू देऊंगा मैं थोड़ी देर में, पूरी बताऊंगा मैं आपको कैसी है बाहर से, कलर कैसा है इसका, सब कुछ इसका दिखेगा आप लोग। गर्मी बहुत ज़्यादा है, गियर चेंज करना पड़ता है। और हमारे अनुज भाई देख रहे होंगे, तो भाई हम ये लेके जा रहे हैं, ये भाई अपना, ये और ये इसका सीधा लगता है वो वाला पीछे, और ये क्या लगता है, ये भी भाई लगता है, ये भाई है छोटा। हाँ भाई, अभी अपना सफ़र जारी है। यहाँ पे अभी गर्मी बहुत ज़्यादा है, टेम्परेचर भी गाड़ी चढ़ा रही है, और 2 नंबर में चढ़ रही है, चढ़ाई है बहुत ज़्यादा। ये देखो इनकी गाड़ियों का टेम्परेचर चढ़ चुका है, तभी ये साइड पर रुकी है। चलते चलते रुक गए थे रास्ते में, भाई ने लाया प्रेम स्वीट,
प्रेम स्वीट, ये भी प्रेम है और इसे लाए भी प्रेम स्वीट है। और अनुज भाई देख रहे हैं, हम आपको दिखा रहे हैं। डर रहे भाई अभी भी यहाँ से, देखिए अब यहाँ का व्यू, ये पीछे पता नहीं कौन सी जगह है, यहाँ पीछे कड़ी जगह इतना भाई। पहुँच गए भाई नाशरी टोल पे, तो ये है भाई नाशरी टोल, तो ये आप देख सकते हो सामने यहाँ पे। और भाई ये गाड़ी है, ये गाड़ी है संजू भाई की गाड़ी है, ये देख सकते हो। क्या भाई सामने नाशरी टंडल, ये है 9 किलोमीटर, पूरा 9 किलोमीटर। यहाँ पे देखिए आप, ये सिंगल है, बनाल वाला डबल है, ये सिंगल ही है। नाशरी टंडल हो गया क्रॉस, तो अब यहाँ आगे इस साइड में बटोत वाली साइड में, यहाँ से नीचे पीड़ा, पीड़ा नीचे स्टार्ट हो जाता है अगले मोड़ से नीचे। इसको बड़ी जल्दी है गाड़ी, बड़ी जल्दी है नहीं करेगा जल्दी। तो सामने पार बटोत, वहाँ से ऊपर रुके थे भाई पीड़ा में, अभी यहाँ पे खाया खाना, अभी निकल गए यहाँ से पीड़ा से। तो चढ़ रहे चढ़ाई बहुत ज़्यादा, मीटर भी गाड़ी चला रही है बहुत ही ज़्यादा। तो अभी चढ़ रहे हैं, सामने से आ रही आर्मी की गाड़ियाँ, ये पीड़ा की चढ़ाई, यहाँ से टंडल बन रहा है, ये सामने आपको दिख रहा होगा। ये भाई चंद्रकोट, ये चंद्रकोट की उतराई, और ये है संजू भाई की गाड़ी। भाई मैं इस पर बैठा हूँ, मैं जा रहा हूँ घर, ये बैठे हैं संजू भाई और पीछे बैठे इनके भाई, वो पीछे। अभी चंद्रकोट पहुँचे भाई, रामबन कैफेटेरिया मोड, यहाँ से आती है पसी, यहाँ ऊपर से देखिए बड़ी खतरनाक जगह है, बड़ी खतरनाक। यहाँ से मतलब रास्ता बंद रहता है दो दो तीन दिन चार चार दिन, यहाँ पे रास्ता बंद रहता है। यही है भाई श्रीनगर की रोड, इतनी खतरनाक रोड, ये रोड है भाई देख, नीचे नदी ऊपर खाई, नीचे नदी। ड्राइवर कहाँ जाएगा, यहाँ से कहाँ जाएगा आलू। गर्मी बहुत ज़्यादा है, टेम्परेचर चढ़ा ले रही है गाड़ी, टेम्परेचर चढ़ा रही है गाड़ी। केला मोड़ से ऊपर टंडल है जो ये बना है, और ये सिर्फ वहाँ से आने के लिए, जाने के लिए रोड वहाँ नीचे से है, वहाँ से जाने के लिए रोड, और ये आने के लिए ऊपर से आने के लिए। अभी ये तैयार नहीं हुई रोड, इसलिए यहाँ से जा भी रही और आ भी रही, जब तैयार हो जाएगी फिर यहाँ से नहीं जाएगी, फिर वहाँ से जाएगी। तंग कर रही है ये वाली, तंग कर रही है आगे वाली, चार चार गाड़ियां चढ़ रही है भरावा, एक एक चढ़ो है, क्या क्या बड़ा इतना लकड़ जैसा है, कौन सा वाला, ये वाला पीछे देखो, पीछे ये चीर है, चीर पीछे देखो, पीछे पीछे क्या इतना बड़ा लग गया भाई, ये देखो कितना जाम लगा है, इक्का दुक्का नहीं चढ़ दिए, लाल लाल चढ़ रही है वो भरावा, एक एक चलो वो पलिया ही पास कर गया क्या। ये भाई ऊपर से आता है पानी यहाँ पे, और यहाँ पे नहाते हैं, ये यहाँ ऊपर से आता है, यहाँ पे रुके थे। ये वो संजू वाली गाड़ी 12 टहरी, ये वाली, और इस गाड़ी को आप पहचानते हो, ये है राजा वसीम ब्लॉग, राजा वसीम ब्लॉग की गाड़ी है ये भी आई थे भाई गाड़ी दो, राजा भाई भी आई थे, ये राजा वसीम ब्लॉग से, और इनकी गाड़ी भी आई थे, ये गाड़ी दो। अब ये भी जा रहे हैं घर की तरफ ही, तो बोला इकट्ठे चलते हैं,
तो भाई जिस गाड़ी में मैं जम्मू से आया हूँ वो ये गाड़ी है। संजू भाई ने अपनी गाड़ी ली है, 12 टायरी मस्त गाड़ी है भाई। मैंने चलाई पूरे रास्ते में, बहुत काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया गाड़ी चलाने में। कभी पीते हैं चाय फिर। भाई ये है बैटरी चश्मा, यहाँ से निकले अभी। ये देखिए गाड़ियाँ लगी हुई हैं और वहाँ पे पीछे पानी है, बहुत हाइट से आता है वो। और ये हमारा रास्ता है जे एंड के की रोड। ये है भाई, भाई वहाँ बाहर से देखो, वहाँ से भी ऊपर से नीचे से बस ही आती है। इतना रिस्क होता है गाइस, इतना रिस्क होता नीचे से। ये तो नीचे है, ये सारे इसी ऊपर से पत्थर आ गए। मैं भी डर डर के वीडियो बना रहा हूँ, मतलब चाहे ऐसा हो जाए बन जाएगा। हर टाइम याद करके देखना पड़ता है, हर टाइम नीचे जो एंगल से एंगल गए हुए हैं वो ऊपर से जो पत्थर आते हैं उन्हीं की वजह से गए हुए नीचे जो भी एंगल थी। ये देखिए कहाँ से गाड़ी जाती है, खुद देखिए गाइस कहाँ से गाड़ी जाती है। ये देखिए इतना खतरनाक रोड है हमारे जे एंड के का। जब ये इसका टनल बन जाएगा फिर इसके अंदर से टनल आएगा, फिर उस साइड निकलेगा दूसरी साइड। तो फिलहाल ये देखिए नीचे एंगल से एंगल जा रहे हैं भाई। शेर पे भी पहुँच गए हैं, तो ये अभी चढ़ाई है, अभी संजू चल रहे हैं। तो ये है हमारे संजू उस्ताद, ये हमारा स्टाफ सारा, ये हमारा सारा स्टाफ है। भाई जी कहाँ से आए हो आप? हम आए जम्मू से। जम्मू से आया जी। क्या माल भर के आया? सरिया और ऊपर टैंकी डाला है। सरिया और टैंकी, अच्छा खासा पैसा बनाया है। क्यों नहीं बनता है? तुमने तीसरा चक्कर दिया सही बात है यार, बाड़ा कुछ भी नहीं। हाँ अच्छा पैसा बनता है और क्या, अच्छा पैसा बनता है। 2 दिन में गाड़ी वापस आता है, मौसम भी बढ़िया रहता है। पहुँच गए भाई बनाल, तो इसकी वो क्या बोलते हैं इंजन ब्रेक लग चुकी है, वो निकाल रहे हैं। तो वो अपने आप लग गई, गाड़ी की ब्रेक मारते हैं तो वो अपने आप चल जाती है। सो फाइनली गाइस हम पहुंच गए बनाल टोल पे। आप इधर टोल तो कट जाएगा, अब आगे जो कंडा फिर से करवाना पड़ेगा। जान जा भाई, इन्होंने बनाया नया रूल, टोल तो कट गया, गाड़ी अंडर लोड है। अभी देखना अब इनका रूल दिखाई देगा, चाहे कच्चा हो चाहे सूखा हो चाहे कोई भी माल हो। ठीक है, वाह ब्रा। रोका क्यों नहीं ब्रा? आंधे ये है भाई इनका रूल, इस कंडे पे इन्होंने गाड़ी चढ़ानी। इस गाड़ी इधर कंडे पे 2 बार गाड़ी भी एक्सीडेंट हुई है, फिर भी इनको शर्म नहीं आती है, चाहे कुछ भी हो जाए। गाइस बनाल वाले टनल में, ये है बनाल वाले, 8.5 किलोमीटर है ये टनल। तो ये गाइस ये गोल गोल टनल है, ऊपर से प्लेन और साइड से गोल, पूरा गोल गोल टनल है, ज़बरदस्त टनल है ये। और भाई और कर प्रोफेशनल, अच्छा और क्या है अभी और भी काफी सारा आपको दिखाएंगे हम आगे, बट थोड़ा सा ये पार करेंगे तो ऐसे अंदर गाड़ी के ऐसे हो जाता है, गाड़ी पड़ जाता है, चलाना पड़ता है मेरे भाई। पेड़ के लिए क्या कुछ नहीं करना पड़ता, फिर भी लोग ड्राइवर को गाली देते हैं। सही बात है, कश्मीर
को पूरा हिंदुस्तान को जो ड्राइवर पालता है, फिर भी ड्राइवर की कोई इज्जत नहीं है। सही बात है। अगर चलो आने वाले समय में बोलते हैं इज्जत होगी, पर मुझे नहीं लगता कि आज ड्राइवर की कोई इज्जत कर पाएगा। कोई इज्जत नहीं होती है ड्राइवर की, कोई इज्जत नहीं, कोई इज्जत नहीं है ड्राइवर। इंडिया में नहीं है, बाकी हर जगह है, हर जगह, हर जगह। अमरीका में तो चाहता, मेरे पास पैसा होता तो मैं अमरीका चला जाता है कसम से, तो फाइनली गाइस पहुंच गए हम यहाँ पे विशु। यहाँ से विशु रह गया 2 किलोमीटर, तो वहाँ से फिर मीर बाजार, मीर बाजार से आगे वनपू, वनपू में मैं उतर जाऊंगा और बाइक चले जाएंगे। फिर कल परसों फिर से मुलाकात करेंगे। तो अभी चला रहे हैं विशाल भाई ड्राइव। ओ विशाल की मुझे मुच्छ बड़ी पसंद आई है। विशाल भाई की मुझे मूछ बड़ी पसंद आई, इधर तक है, इधर तक पूरी, इधर तक। मैं जब इधर में आता हूँ ना, ठंड बहुत लगती है साली, पता नहीं क्या लगती है इसको। आप ये तो अभी गर्मी है ना, उधर का जम्मू का घूमना भी। अच्छा। इधर में थोड़ा लगेगा ठंडी। अच्छा हाँ। मुझे शौक नहीं रखिया मित्रा। अच्छा तो फाइनली गाइस हम पहुंच आए वनपू में। अब मैं जाऊंगा, रोहित भाई आ गया है, तो संजू भाई भी जाएंगे यहाँ से, इनकी गाड़ी भी कल परसों तक होगी अनलोड की, जाएंगे वांतीपुरा, वहाँ पे रुकेंगे, वहाँ से फिर देखेंगे, जब बुलाएंगे तब भी जाएंगे। बाय ओके ओके बाय बाय। हम मैं राही प्यार के फिर मिलेंगे चलते चलते, वापिस मिलेंगे अगली वीडियो में। सो फाइनली गाइज पहुंचा हूं मैं इस टाइम रोहित भाई के पास और आमिर भाई के पास। अभी अभी जस्ट कुछ टाइम हुआ है, 5-6 मिनट, और ये बैठे हैं रोहित भाई, कैसे हो भाई? और ये बैठे हैं आमिर भाई। आमिर भाई कैसे हो? बस ठीक, आप ठीक हो? निक नेम क्या है आपका? चलो रहने दो। और जा रहे हैं भाई अभी घर की तरफ, चल रहे हैं हम, अनंतनाग से निकले हैं। ये रोड जाता है सीधा छबल, छबल से सीधा जाता है नौगाम। सो गाइस पहुंचने वाले हैं घर, और इस बंदे को मैंने बोला आस्ते चल, ये उतना खींच के चल रहा है। देखो ये रोड है, ये रोड है। हेलो गाइस फिर से गुड मॉर्निंग। तो आज ईद का दिन, उठते हैं अभी सुबह सुबह का टाइम है। तो ये ब्लॉग रह गया था एंड करना, तो करते हैं एंड इस ब्लॉग को। लव यू, टेक केयर, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर, लाइक कमेंट जरूर करें, और भाई मेरी तरफ से सबको ईद मुबारक, खुश रहो।